नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो में एक ओपन सोर्स टूल के बारे में बात करेंगे जो कि आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करने में हेल्प करेगा, जिसका नाम है ग्लूकामोले या फिर वकामोले भी बोलते हैं इसे। ये एक रशियन लैंग्वेज है। आप इस ओपन सोर्स टूल के जरिए अपनी जो वेब ब्राउज़र है, ब्राउज़र के जरिए अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल में आप रिमोट लेते आ रहे हैं, लाइक RDP, VNC, इसके थ्रू ही आप रिमोट ले पाएंगे अपने लोकल कंप्यूटर्स को, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा टूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा कोई सॉफ्टवेयर इसके लिए नहीं लगता है। आप इस टूल के ज़रिए आप अपने वेब ब्राउज़र में इजीली अपनी क्लाइंट्स कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं वाया RDP, VNC और SSH प्रोटोकॉल के थ्रू, जिसके द्वारा क्लाइंट कंप्यूटर को आप फुल्ली ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपका मेनली बना है सपोर्ट सिस्टम रन करने के लिए, जहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स रखा जाता है जो बहुत सारे लोगों को रिमोटली कंप्यूटर में सपोर्ट देता है, उसके लिए ये टूल बहुत मददगार है। एक ओपन सोर्स टूल है, आप इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स के लिए। आज हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे हमारे डॉकर होस्ट के अंदर और चेक करेंगे ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकामोले की वेबसाइट यानी वकामोले की वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पर आप वेबसाइट में सारे डॉक्यूमेंटेशन देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपाचे ग्लूकामोले इज़ ए क्लाइंटलेस रिमोट डेस्कटॉप गेटवे, मतलब ये गेटवे है जो कि सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, लाइक VNC, RDP एंड SSH। ये क्लाइंटलेस है, इसके लिए आपको क्लाइंट कंप्यूटर में कोई भी टूल्स वगैरह प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और ये HTML5 ब्राउज़र पर सपोर्ट करता है और आपको एक डेस्कटॉप व्यू देता है ऑन ए वेब ब्राउज़र। यहाँ पर आप डाउनलोड्स के बटन में जाकर डाउनलोड्स कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग रिलीज नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है एंड चेंज लॉग भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसकी डॉक्यूमेंटेशन एंड बाकी API डॉक्यूमेंटेशन एंड मैनुअल्स वगैरह आप इसकी वेबसाइट में जाके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। आज इसे हम लोग डॉकर में डिप्लॉय करेंगे। आप चाहे तो लोकल होस्ट में भी अलग तरीके से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। डॉकर बहुत ही आसान चीज़ है। हम लोग ऑलरेडी डॉकर में बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, आपको दिखाते हैं। आप डॉकर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो मल्टीपल एप्लीकेशन को वन सिंगल होस्ट में होस्ट करने को आपको ऑप्शन देता है। सबसे पहले हम लोग पोर्टेनर के अंदर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक कंटेनर क्रिएट करेंगे और ये डॉकर कंटेनर आपको इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ कंटेनर के नाम हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ डालेंगे Docker.io के अंदर, और उसके बाद इसके नाम एक देना पड़ेगा कंटेनर का, जो कि मैं ग्लूकामोले ही रख रहा हूँ। और यहाँ पर पब्लिश पोर्ट करेंगे हम लोग 8080 और कंटेनर को डिप्लॉय करेंगे। आप यहाँ पर बहुत सारे एनवायरनमेंट एंड रजिस्टर पॉलिसी वगैरह भी चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है वो सक्सेसफुली चालू हो चुका है। अब इसे हम लोग ब्राउज करेंगे। यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे डॉकर कंपोजर के अंदर, डॉकर कंटेनर की जो फाइल्स है उसकी वेरिएबल्स वगैरह सारा दिया हुआ है। यहाँ पर डॉकर किस पोर्ट पर रन होगा, इसके डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर दिया है जो कि रिकमेंडेड है। एक बार लॉगिन करने के बाद इसे आप चेंज कर दें। इसके अलावा भी आपको डॉकर कंपोजर का जो YML वर्सन है वो भी यहाँ पर दिया है, इसे आप और ज़्यादा कस्टम तरीके से इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। हम लोगों ने अभी डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करके इसे चेक करें कि इसे ये कैसे काम करता है। आगे जाके हम लोग इसकी YML के ज़रिए भी इंस्टॉल करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन करेंगे डिफ़ॉल्ट यूज़र ID एंड पासवर्ड से। लॉगिन होने के बाद ये कुछ इस तरह का ब्लैंक स्क्रीन आता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको एक्टिव सेशन, हिस्ट्री, यूज़र्स, ग्रुप, कनेक्शन एंड प्रेफरेंस है, जिसके अंदर अपने हिसाब से आप प्रेफरेंस वगैरह, कनेक्शन सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है करंट पासवर्ड देंगे और नया एक पासवर्ड सेट करके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को जो है चेंज करेंगे। पासवर्ड चेंज हो चुका है। इस चेंज पासवर्ड से सबसे पहले हम लोग एक बार लॉगिन करेंगे। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक यूज़र क्रिएट करेंगे।
यूज़र में लॉगिन डिजेबल करना है या फिर पासवर्ड एक्सपायरी का कोई अगर प्रोटोकॉल आपको डालना है, कोई नियम डालना है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। परमिशन किस तरह का देंगे, परमिशन आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और परमिशन के साथ साथ आपको ऑल कनेक्शन देना है, करंट लिमिटेड कनेक्शन देना है, ये भी आप चूज़ कर सकते हैं। जब आपका कनेक्शन पॉइंट बन जाएगा, कनेक्शन होस्ट बन जाएगा, तब आप इंडिविजुअल होस्ट को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सक्सेसफुली जो है यूज़र क्रिएट हो चुका है, तो हम लोग यूज़र से एक बार लॉगिन करेंगे। अब हम लोग कनेक्शन बनाएंगे कोई यूज़र कंप्यूटर के साथ। यहाँ पर न्यू कनेक्शन में आएंगे, यहाँ पर कनेक्शन प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर RDP चूज़ कर रहा हूँ। कंप्यूटर का नाम अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। कनेक्शन लिमिट्स वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कितना कनेक्शन लिमिट आपको चाहिए, क्या वोल्टेज चाहिए। प्रॉक्सी या लोड बैलेंसिंग अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नेटवर्क का होस्ट नेम हम लोग देंगे, जो भी कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली, उसकी यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी आपको देना है। अगर आप डोमेन यूज़ कर रहे हैं तो डोमेन यहाँ पर आप एंटर करेंगे। यहाँ पर नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन करेंगे, इग्नोर सर्वर सर्टिफिकेट को एनेबल करेंगे। इसके अलावा RDP का पोर्ट, RDP रिमोट डेस्कटॉप गेटवे पोर्ट्स एंड होस्ट नेम अगर आपके पास है, आपके एनवायरनमेंट में RDP गेटवे ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसका सेटिंग भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले की सेटिंग्स आप यहाँ पर रीसाइज वगैरह, डिस्प्ले कैसे होगा, कलर डिप क्या होगा, ये भी आप चेंज करके देख सकते हैं। रीडायरेक्शन डिवाइस की बहुत सारी चीज़ें आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं, लाइक डिवाइस की ड्राइव, डिवाइस की नेम, फाइल अपलोड डिजेबल कर सकते हैं। ड्राइव पाथ वगैरह भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलपेपर वगैरह आप अगर डेस्कटॉप का देखना चाहते हैं उस रिमोट कंप्यूटर का, वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जा रहा हूँ और सेव करेंगे इसे, तो ये मेरा कनेक्शन पॉइंट बन गया। अब मैं यहाँ पर होम में आऊँगा और इस कनेक्शन को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे वाया ब्राउज़र। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, मेरी जो रिमोट कंप्यूटर है वो अभी ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेसिबल है। आप देख पा रहे हैं ये मेरा ब्राउज़र है जिसके अंदर मैं रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप इसे बैक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा नीचे की तरफ, आप इसे डिसकनेक्ट करेंगे तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से मल्टीपल प्रोटोकॉल के ज़रिए मल्टीपल PCs की कनेक्शन बना सकते हैं। लाइक मैं अगर VNC से कनेक्शन कोई बनाना चाहता हूँ, VNC नाम दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो VNC के लिए मैं यहाँ पर होस्ट नेम देता हूँ। मेरे होस्ट के सिनेरियो में यहाँ पर 5900 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो VNC इंस्टॉल्ड है वो 5900 पोर्ट में चल रहा है। VNC की जो यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ पर पहले से सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले, कर्सर, क्लिपबोर्ड, रिपीटर्स, रिकॉर्डिंग, इस तरह का बहुत और सेटिंग है। आप इवन LAN से PC को वेकअप भी करा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। आप यहाँ पर हम लोग इसे सेव करेंगे तो ये VNC का कनेक्शन मेरा बन गया। अब मैं भी एक बार VNC से चेक करूँगा। बिल्कुल, ये VNC का पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर VNC से ये एनेबल हो चुका है। आप यूज़र को हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सेटिंग है जिसे आप इनेबल कर सकते हैं। लाइक अगर आप सेटिंग में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, तो यहाँ पर आप डिस्प्ले लैंग्वेज क्या होगा वो यहाँ पर आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं। कौन सी लोकेशन एंड टाइम जोन आप यूज़ करेंगे वो यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट की जो मेथड है उसे आप चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह बदल सकते हैं। अगर आप टच स्क्रीन में यूज़ कर रहे हैं तो माउस की ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होगा ये भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ अगर हम लोग होम बटन में आएंगे तो यहाँ वापस अगर इसे कनेक्ट करेंगे VNC को, तो आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट, यहाँ पर आप कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट भी आ चुका है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंप्यूटर्स की रिमोट कनेक्शन ले सकते हैं एक सिंगल ब्राउज़र के अंदर इस वाया दिस Apache GlukaMole WakaMole टूल के ज़रिए। इसके अंदर अलग अलग यूज़र ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आप हिस्ट्रीज वगैरह देख सकते हैं, कौन कितना वक्त कितने IP से कौन से टाइम में लॉगिन किया था आपके कंप्यूटर को, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कनेक्शन प्रॉपर्टीज़, यूज़र ग्रुप एंड एक्टिव सेशन जितना भी है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप एडमिन हैं और बहुत सारे यूज़र हैं आपके पास जो रिमोटली इस PC को यूज़ कर रहे हैं, इस कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं, उसे भी आप यहाँ पर किल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर जो मेरा टूल है इसे हम लोग पब्लिकली कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्लाउडवेयर की प्रॉक्सी टनलिंग सिस्टम।
जिसके लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो हम लोगों ने बना के रखा है कैसे हम लोग क्लाउडफेयर की प्रॉक्सी टनल को यूज़ करेंगे हमारी पब्लिक कनेक्शन के लिए, उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दे रहा हूँ, उसे आप जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पर हम लोग प्रॉक्सी टनल के अंदर आएंगे क्लाउडफेयर की, जिसके अंदर हम लोग पब्लिक होस्ट एक क्रिएट करेंगे हमारे डोमेन नेम के हिसाब से। यहाँ पर हम जो सब डोमेन नेम रखेंगे, रिमोट प्रोटोकॉल होगा HTTP, और मेरी जो IP है और जो पोर्ट नंबर है वो यहाँ पर डालना है और सेव करना है। तो ये सक्सेसफुली कनेक्शन आपका बन गया हमारी क्लाउडफेयर प्रॉक्सी टनल के थ्रू। अब यहाँ पर अगर हम लोग पब्लिकली से एक्सेस करना चाहते हैं, सक्सेसफुली एक्सेस कर पा रहे हैं विद द प्रॉपर SSL वैलिड सर्टिफिकेट के साथ, तो इसे आप बाहर से एक्सेस कर इस URL के ज़रिए बाहर से आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हो रहा है और सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन भी हो रहा है और सक्सेसफुली रिमोटली मैं काम कर पा रहा हूँ एक पब्लिक URL के ज़रिए। ये आप आउट ऑफ द ऑफिस काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पोर्ट फॉरवर्ड वगैरह करना नहीं है, आपको फायरवॉल या फिर अपने राउटर से या आप बिना पोर्ट फॉरवर्ड किए ही क्लाउडफेयर प्रॉक्सी टनल के थ्रू आराम से अपने इस रिमोट टूल को यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोगों ने आज देखा कि हम लोग वाकेमोले जो Apache वाकेमोले जो टूल है इसे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसे हम लोग बाहर से कैसे रिमोटली एक्सेस करेंगे क्लाउडफेयर की प्रॉक्सी टनल के थ्रू, इसके अलावा इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे डॉकर के अंदर। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और टॉपिक और कोई सेटिंग्स जानना है इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसके लिए हम लोग डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा ये एक ब्राउज़र के अंदर बहुत ही आसानी से आपको रिमोट कंट्रोल देता है अपनी क्लाइंट्स कंप्यूटर के लिए। आपको कोई एक्स्ट्रा टूल या सॉफ्टवेयर या फिर EXE वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्लाइंट कंप्यूटर में। आपको जस्ट क्लाइंट कंप्यूटर में अगर आपके पास ऑलरेडी VNC है तो VNC प्रोटोकॉल से ये कनेक्ट कर लेता है। अगर ऑलरेडी क्लाइंट पे हमने RDP एनेबल करके रखा है लोकली तो RDP को भी ये कनेक्ट कर पाएगा। और साथ साथ हम लोगों ने देखा कि इसे हम लोग आउट ऑफ द ऑफिस मतलब बाहर से कैसे एक्सेस करेंगे वाया क्लाउडफेयर रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी के ज़रिए क्या है कि आपको कोई भी लोकल पोर्ट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आपके राउटर या फायरवॉल में, आप आसानी से एक URL के ज़रिए बाहर से एक्सेस कर सकते हैं अपनी लोकल PC को एक पब्लिक URL के थ्रू जो क्लाउडफेयर की प्रॉक्सी टनल के थ्रू चलता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव फिर भी रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।